दोस्त दोस्त ना रहा ये कहावत तो आपने बहुत बार सुनी होगी लेकिन अब ये कहावत मुनवर और एलविश पर बिल्कुल फिट बैठ रही है एलविश यादव को हाल ही में पुलिस ने गिरफ्तार किया लेकिन मुनवर ने एलविश यादव की गिरफ्तारी पर ऐसा रिस्पांस दिया है ना जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे आपके मुंह से भी सिर्फ यही बात निकलेगी कि हाँ दोस्त दोस्त ना रहा अभी अगर एलविश की बात करें तो एल्विश जैसे ही बिग बॉस के घर से बाहर आए हैं वो एक के बाद एक कॉन्ट्रोवर्सी में फंस रहे हैं पहले उन्हें सापों के जहर के मामले में बहुत टाइम तक उन्हें फंसाया गया जिसके बाद उन्होंने आकर भी कहा था कि सांप के जहर वाले मामले में उनकी एक फीसदी भी गलती नहीं है और अगर उनकी एक फीसदी भी गलती निकलती है तो वो खुद सरेंडर कर देंगे और अब एलविश यादव ने सचमुच खुद सरेंडर कर दिया है कल शाम को उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया और आज उन्होंने अपनी सारी गलतियां मान ली है लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि मुनवर ने भी उनका साथ नहीं दिया मुनवर ने एलवेश की गिरफ्तारी पर ऐसा रिएक्शन दिया है जो बहुत फीका है और ना ही उन्होंने एलविश का साथ दिया है तो मुनवर ने एलविश यादव की गिरफ्तारी पर क्या कहा है चलिए आपको बताते हैं एलविश यादव की गिरफ्तारी 17 मार्च की शाम को हुई और जिस वक्त मुनवर से उनकी गिरफ्तारी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है मुनवर अपनी एक शूटिंग खत्म करके बाहर आ रहे थे उसी वक्त उनसे पूछा गया कि क्या आपको एलविश की गिरफ्तारी के बारे में पता है तो उन्होंने कहा कि उनका फोन बंद था उनकी फोन की बैटरी बिल्कुल डेड हो चुकी है और उन्हें नहीं पता कि कब और कैसे हुआ और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि अभी उन्हें इस मामले में कुछ भी नहीं पता है इसलिए

एक मैच के दौरान दोनों ने आपस में एक दूसरे को गले लगा रखा था जिसके बाद इन दोनों की फोटो इतनी वायरल हुई कि हर कोई एल्विश को ट्रोल कर रहा था हर कोई कह रहा था कि एल्विश को अपने धर्म से प्यार नहीं है वो इसलिए मुनववर को गले लगा रहे हैं लेकिन इसके बाद एल्विश इतने परेशान हो गए थे कि उन्हें youtube पर आके अपनी जनता से माफी मांगनी पड़ी थी उन्होंने यह तक कहा था कि आप लोगों के लिए हिंदू धर्म के लिए सनातन धर्म के लिए एक नहीं हजार मुनवर फारूकी कुर्बान कर दूंगा ये बात उन्होंने उसी मुनवर फारूकी के लिए कही थी जिसे वो थोड़े टाइम पहले गले लगा रहे थे लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि मैं हमेशा अपने धर्म के लिए बोलता हूँ और इस वक्त भी अपने धर्म के लिए बोलूंगा इसलिए मैं मुनवर फारूकी आप लोगों के लिए कुर्बान कर रहा हूँ लेकिन अब उसके बाद जैसे ही ये मामला थमा एलविश पर एक और मामला आ गया एलविश को गिरफ्तार कर लिया गया है बता दें कि एक अधिकारी ने उनके खिलाफ एक एफ दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि वो उन्हें मारने की धमकी दे रहे हैं जिसके बाद अब एल्विश को चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में लिया गया है और जिसके बाद मुनवर से इस बारे में पूछा गया तो मुनवर ने तो साफ इनकार कर दिया कि उन्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं है तो लेकिन आपका इस पे क्या मानना है क्या आपको भी लगता है कि मुनवर को सामने आके एल्विश का सपोर्ट करना चाहिए अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह जुड़े रहिए न्यूज़ के साथ